इंडिया की टीम और उनकी बोर्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। फॉर्म में आते हैं तो फिर वो उनके उनमें ये काबिलियत है कि वो मैच निकाल के ले जाते हैं। उनके प्लेयर्स इतने एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस होता है। इंडियन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 3-0 से वाइट वॉश कर दिया, इस अचीवमेंट पे आपका क्या रिएक्शन? काफ़ी अच्छी उनकी अचीवमेंट है। और दूसरा ये है कि अभी जो मैंने देखा है इंडिया टीम में, वो मैंने उनका पॉजिटिव माइंडसेट देखा है, ठीक है। तो और मतलब उन्हें जो उनका कैप्टन था, नया कैप्टन आया, तो इससे उनका एक तो माइंडसेट चेंज हुआ होगा, टीम की स्ट्रेटजी चेंज हुई होगी, तो मैंने उनकी टीम में पॉजिटिविटी देखी है। और दूसरा उनको होम कंडीशंस का भी एडवांटेज था, और इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना जानता है, तो इस लिहाज से भी उनका एडवांटेज था शायद, जिसकी वजह से वो ये फीट हासिल कर सके हैं। सबसे पहले देखें जी, इंडिया ने लास्ट टाइम जो है वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से किस दी है, 3-0 से उन्होंने T20 में हराया है। तो अब श्रीलंका आई है, तो मैं समझता हूं कि अब उन्होंने श्रीलंका को भी 3-0 से वाइट वॉश कर दिया है T20 में, तो उनकी बड़ी स्ट्रगल है, थ्रू आउट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वॉश पे वाइट वॉश किए जा रहे हैं, वाइट वॉश पे वाइट वॉश किए जा रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ फैसल भाई, ये जो है ना, ये जो माठी टीमें हैं, माड़ी टीमें हैं, तो अब इतनी तगड़ी टीमों के साथ अगर वो खेलेंगे तो मैं समझता हूँ इतना वो अच्छी तरह परफॉर्म शायद ना कर पाए। न्यूजीलैंड को भी वाइट वॉश किया उन्होंने, न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया, लेकिन वो माजी की बात है। अब प्रेजेंट की बात करें तो वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ जो है ना, वो इतनी तगड़ी टीमें नहीं हैं, उनको हरा रहे हैं। अगर हम बात करें ना, तो इंडियन टीम ना एक क्वालिटी क्रिकेट खेलती है, उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत अच्छी है। अब उनके अगर आप बैटिंग लाइन आप देखें ना, तो आप देखेंगे तो 7 आउट होते हैं तो फिर भी उनका प्लेयर मतलब क्रीज पर मौजूद ही होता है। तो उसके हवाले से ये कहेंगे कि जैसे अब कोहली था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप देखेंगे वो 70-60 तो बना रहे ना, तो लोग अब उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन कोई बेस बनती नहीं है उसकी चीज़ की ना। तो वैसे इंडियन टीम की बैटिंग लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस हर मैच में और हर टूर्नामेंट में ही अच्छी रहती है। तो यही कहेंगे कि बस टीम तो वाकई अच्छी है। इंडिया की टीम और उनकी बोर्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो कि अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट भी करती है, उनके लिए पिचेस वो सारी चीज़ें। जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं है, तो लेकिन इंडिया की टीम घर में तो जो उसका हम भी उनकी एक रूटीन है कि घर में वो किसी को हरा, बहुत कम टीमें उनसे जीती हैं, श्रीलंका भी उन्हीं में से एक है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उनकी ये कंडीशन नहीं होती, ये परफॉर्मेंस नहीं होती। इंडिया की टीम काफ़ी अच्छी है, और उसके यंगस्टर सारे यंगस्टर हैं, उन्होंने दिया है मौका दिया उन्हें। तो श्रीलंका की टीम में वो बात नहीं रही जो पहले थी, आज से 4-5 साल पहले ना वो उनकी टीम में उनका अपना ही वो था, क्रिकेट थी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे। अब नए प्लेयर हैं तो वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और इंडिया की टीम आपको पता है कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, और वो मतलब उनके पास कोचिज़ भी हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए इंडियन टीम तो जो शुरू से ही वो एक टैलेंटेड प्लेयर उनमें आते हैं, शाइन हो के आते हैं, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल बहुत अच्छा खेलते हैं। श्रीलंका को वाइट वॉश, श्रीलंका उनके मुकाबले में मैं नहीं समझता कि उनके लेवल की टीम है, लेकिन मेहनत करके ये ऊपर आ सकते हैं, उनके मुकाबले से खेल सकते हैं, लेकिन अभी जो इंडिया ने वाइट वॉश किया बहुत बहुत ही अच्छा किया। इंडिया ने 3 सीरीज जो है वो कंसेक्यूटिव जीती हैं, पहले न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया, फिर वेस्ट इंडीज़ को किया, अब श्रीलंका को कर दिया, तो इतनी अचीवमेंट लगातार वर्ल्ड कप के बाद वो करी जा रहे हैं, तो इसमें एक तब्दीली इंडियन टीम में नज़र आई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम ने किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क किया है, और मतलब अपनी कौन से जो फ्लॉज थे उनको कवर करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के दोबारा से वो नंबर वन भी बन गई हैं? देखें, अभी जो इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे, तो उन्होंने विराट कोहली पे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप ना पहले ही इसको ऐलान ना करें कि आप T20 की कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस पे टीम पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारा कैप्टन है, वो हमें इस चीज़ में लीड करेगा, उसके बाद उसने छोड़ देना है, तो उसकी मतलब एक कमज़ोरी नज़र आएगी। तो इसीलिए अब जैसे उनके पास नया कैप्टन आया, तो इसके बाद उनके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट भी है, और अगर देखा जाए तो उनके जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे केएल राहुल हो गए या दूसरे हो गए, तो वो जब फॉर्म में आते हैं तो फिर वो उनके उनमें ये काबिलियत है कि वो मैच निकाल के ले जाते हैं। उनके प्लेयर्स इतने एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने मतलब खुद पे इतना काम किया होता है कि उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो एबिलिटीज़ होती हैं। यंग जो प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज लिया है, मैन ऑफ द मैच भी वही बने हैं, तो आप फ्यूचर में इंडियन टीम के जो यंग टैलेंट है उनको कहाँ पर देख रहे हैं कि वो इंडियन टीम सिक्योर है, एक कि उनके पास बॉल अरसे तक उनके यंग प्लेयर्स पीछे आईपीएल की वजह से बैठे हुए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, टैलेंट तो ऑब्वियसली बड़ा है। बैटिंग के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया में तगड़ी बैटिंग है, उनकी माजी के हवाले से देखें तो उनकी बैटिंग अच्छी रही है। प्लेयर परफॉर्म नहीं भी करते, विराट कोहली, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं भी करते, लेकिन उनके यंग जो प्लेयर्स हैं वो जरूर परफॉर्म करते हैं, तो यंग टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है इंडियन टीम के? तो देखें, इसका क्रेडिट तो मोस्टली प्रॉब्ली ना आईपीएल को ही जाता है, क्योंकि आप देखें ना कि अगर आपके घर में कोई बंदा अच्छा है ना, तो मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी अच्छी बनेगी।
जब उनकी टीम में कोहली और रायना तो अभी नहीं खेला वैसे, मतलब कोहली है, रोहित शर्मा है, ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके जो न्यू आएंगे ना वो उनको ऐसे से तरतीब दे लेंगे कि वो अच्छा ही खेलेंगे। और वैसे भी आईपीएल में देखें तो आप तकरीबन 7-8 प्लेयर हमेशा ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको फिर परफॉर्मेंस अच्छी देंगे वो, बाद में उनको टीम अच्छी मिलेगी, उनको सपोर्ट करते हैं वो, तो वैसे स्पोर्ट के लिहाज से तो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि वो आप हमेशा देखेंगे जब सीरीज़ होती है ना तो उनके 2-3 इमर्जिंग प्लेयर ही होते हैं, वो न्यू ही होते हैं, तो उनको वह स्पोर्टिंग स्पोर्ट अच्छी करते हैं और आईपीएल का क्रेडिट काफ़ी जाते हैं इस बात को ना। समझ लो कि इंडियन टीम का फ्यूचर जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि उनमें टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, नीचे से शाइन होकर ऊपर आते हैं, मतलब को पर्ची वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी टीम में ऐसा हो, क्योंकि शाइन होकर प्लेयर्स नीचे से आते हैं, मतलब के आर राहुल, भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट देखने का मज़ा भी आता है, यानी कि जब एफर्ट कर रहे होते हैं दूसरी टीम भी एफर्ट कर रही होती है और इधर से दूसरी टीम भी एफर्ट कर रही है तो मज़ा आता है मैच देखने का। इंडिया ने एक और रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया है, पहले अफगानिस्तान ने 12 कंसेक्यूटिव टी20 मैचेस जीते थे, अब इंडिया ने 12 कंसेक्यूटिव जीत गए हैं, तो ये कैसी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? ये भी जाहिर है उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो क्रिकेट खेले हैं, लेकिन अगर देखा जाए चलो सही है वो 12 कंसेक्यूटिव मैचेस देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीत चुका है सरफराज अहमद की कैप्टनसी में, तो आई विल डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू देम, लेकिन लाइक उनको अभी भी कोई कुछ एरियाज हैं जिन पर उन्हें अभी भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो T20 भी तो अभी उनकी परफॉर्मेंस शानदार जा रही है, देखते हैं कि अब रोहित शर्मा उनको वनडे फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में कैसे लेके चलते हैं, ये भी देखने की बात हो। बिल्कुल, ये देखें ना जी, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले अफगानिस्तान T20 के लिहाज से देखा जाए तो एक तगड़ी टीम है T20, बड़ा मारते हैं वो हजरतुल्ला जई और वो ये वो नबी से एक बढ़ के जो है ना वो मार मार के धो कर देते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद इंडिया की जो अचीवमेंट है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें 1-2 साल पिछले जो है ना उनको चंगा रगड़ा लगा है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। कब में रगड़ा लगा तो उसके बाद उन्होंने खुद को संभाल लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तो कैप्टन भी चेंज हो, वो नहीं परफॉर्म कर रहा था विराट कोहली, अब उन्होंने रोहित शर्मा को मौका दिया तो काफ़ी उनकी क्रिकेट इंप्रूव है, फास्ट बॉलर भी उनके पास अच्छे हैं, स्पिनर भी हैं। तो रोहित शर्मा का कितना किरदार है इन सारी जीत में? रोहित शर्मा अभी तक तो अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आईपीएल में भी बहुत अच्छा कैप्टनसी करते हैं, तो बाकी आगे देखें क्या होता है, वर्ल्ड कप वगैरह कोई बड़ी टीम आगे तो फिर पता चलेगा।